फ्रेंड्स टुडे वी विल टॉक अबाउट एलिजाबेथन एज फोर्थ चैप्टर है ये हमारा एलिजाबेथन एज शुरू हुई थी 1552 1600 एडी ओके एलिजाबेथन एज इसे रेनेसा uh, भी बोलते हैं रेनेसा इज द रीबर्थ रीबर्थ रेनेसा मींस रीबर्थ इज द पीरियड वेयर पीपल आर स्टार्ट टॉकिंग इन टेकिंग इंटरेस्ट इन द कल्चर ऑफ ग्रीक एंड रोम रीबर्थ ऑफ क्लासिकल आर्ट इस टाइम पे रीबर्थ हुआ क्लासिकल आर्ट का टेक्स्ट का रेनेस रेनेसेंस ह्यूमनिज्म शुरू हुआ मतलब स्टडी ऑफ ह्यूमन प्रोग्रेस कैसे ह्यूमन ने प्रोग्रेस करी है उसके बारे में बात होने लगी रोम वाज़ द सेंटर ऑफ रेनेसा इसमें कहा गया था ह्यूमन को सेलिब्रेट करो मतलब जो इंसान है वो खुद अपने आप को एक सेलिब्रेशन की तरह मानो ओके द नेक्स्ट इज पेट्रार्क इज़ नोन एज फादर ऑफ ह्यूमनिज्म पेड्रा को क्या बोलते हैं फादर ऑफ ह्यूमनिज्म इन्होंने दो लाइन्स दी थी बहुत फेमस लाइन है बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है गो ऑन एंड एक्सप्रेस योर सेल्फ डोंट डू द सेम हैव ए वेराइटी ये दो लाइन्स है गो ऑन एंड एक्सप्रेस यूर सेल्फ द नेक्स्ट इज डोंट डू द सेम हैव ए वेराइटी एक ही चीज मत करो अलग अलग करते रहो गो ऑन एंड एक्सप्रेस यूर सेल्फ जाओ और अपने आप को एक्सप्रेस करो इन दिस मैन मैन एंड एंड स्कॉलर्स आर आर टॉकिंग टॉकिंग अबाउट 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 दे नॉट आफ्टर लाइफ हेवन वो इसमें ये बात नहीं करते कि हेवन मरने के बाद क्या होगा मरने के बाद में भगवान मिलेंगे नहीं मिलेंगे इन बारे में बात नहीं होती ओके इन हॉन कंट्रोवर्सी थी उस टाइम पे वो कंट्रोवर्सी के बारे में हम बात कर लेते हैं दिस इज रिलेटेड टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ ग्रीक एंड लैटिन वर्ड्स इन इंग्लिश ओके कई स्कॉलर्स को लगता था कि लैटिन एंड ग्रीक को इंग्लिश में ऐड करें कर लेना चाहिए वह कई स्कॉलर्स को लगता था कि नहीं अगर लैटिन और लैटिन uh, और ग्रीक को ऐड किया ऐड uh, किया तो हमारी वर्नाइकल जो लोकल लैंग्वेज है वो करप्ट हो जाएगी ओके okay? उसमें मिक्सचर हो जाएगा वो करप्ट हो जाएगी एलिजाबेथन इज द अनमैरिड क्वीन एलिजाबेथन क्या थी अनमैरिड क्वीन थी सो शी हैज द निकनेम एज वर्जिन क्वीन उन्हें वर्जिन क्वीन भी बोलते थे इवन हर सिस्टर ब्लडी मैरी इम्प्रेजन एलिजाबेथ इन द टावर ऑफ लंडन उनके जो सिस्टर थी ब्लडी मैरी उन्होंने उन्हें टावर ऑफ लंडन में इम्प्रजन भी किया था जेल में डाल दिया था केम टू थ्रोन इन फिफ्टीन फिफ्टी एट कब केम टू थ्रोन कब उन वो रानी बनी थी 1558 शी डिक्लेयर Herself as the supreme governor of the church of england इसने कहा कि भाई लड़ो मत कैथोलिक कैथलिज्म फॉलो करो प्रोटेस्टेंट प्रोटेस्टेंटिज्म फॉलो करो मुझे कोई दिक्कत नहीं है तुम बस लड़ो मत आपस में गोल्डन एज इसीलिए इसे कहा जाता है इसने दोनों कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों को सही से रहने की इजाजत दी एग्रीकल्चर को बहुत ज्यादा प्रमोट किया और इंग्लैंड बन गया मैसिम सप्लायर ऑफ वूल किसका सप्लायर बन गया उस टाइम पे मैसिम सप्लायर ऑफ वूल ओके स्पैनिश अर्माडा, उस टाइम पे स्पैनिश अर्माडा, स्पैनिश अर्माडा क्या था देयर वर 100 स्पैनिश Ships व्हिच केम टू इंग्लैंड सी कोस्ट इंग्लैंड के सी कोस्ट पे वहां पे आके 100 ship 100 जहाज वहां पे आके खड़ी हो गई म टू फाइट एंड डिस्ट्रॉय इंग्लैंड चाहती थी कि डिस्ट्रॉय इंग्लैंड को कर। लेकिन ने के मन में ऐसा जुनून भर दिया इंग्लैंड का सुपर पावर अब यूरोप में है ओके इलाजबेथ कोर्ट को उस टाइम पे उन्होंने क्या बोला था तो द सेक्स आई बिलोंग टू इज कंसिडर वीक बट आई हैव दार्ट ऑफ द किंग हु उन्होंने बोला था कि मैं शायद मेरा जो सेक्स है मैं जो जो, जो मेरा जेंडर है उसे वीक कहा जाता है लेडीज़ का जेंडर को हम बोलते हैं ना कि नहीं भाई औरत है वीक है लेकिन फिर भी लेकिन मेरा दिल जो है वो एक राजा का है और वो ब्लो करेगा टू थिंग्स एलिजाबेथ एंड डन दो चीजें एलिजाबेथ ने करी थी देन फर्स्ट इज सुप्रीम हेड ऑफ द चर्च इज किंग उन्होंने बोला था सुप्रीम हेड जो होगा चर्च का वो किंग होगा और प्रोटेस्टेंट को भी एंग्लिकन चर्च का पार्ट बनने की इजाजत दी थी ओके, यू हैव टू रिमेम्बर दिस दो चीजें उन्होंने करी थी प्रोटेस्टेंट को भी एंग्लिकन चर्च का पार्ट बनने की इजाजत दी थी बोथ प्रोटेस्टेंट एंड कैथलिज कैथलिक वर्शिप टुगेदर इन द चर्च ऑफ इंग्लैंड पहली बार ऐसा हुआ था दोनों एक ही चर्च में वर्शिप करते थे प्रे करते थे भगवान से दिस एज वॉज कॉल्ड एज द एज ऑफ एक्सप्लोरेशन इस एज को एज ऑफ एक्सप्लोरेशन भी बोला जाता है क्यों बोला जाता है क्योंकि ओल्ड वर्ल्ड जो था ओल्ड वर्ल्ड किसे कहा जाता था कंट्रीज जो यूरोप की थी न्यू वर्ल्ड आ गया था अमेरिका एशिया इनको भी एक्सप्लोर करने लगे थे लोग जैसे कि स्पेन एंड पोर्चुज एंड सबसे पहले एक्सप्लोरेशन स्टार्ट किया था किसने स्पेन एंड पोर्चुज ने स्पेन एंड पोर्चुगेज रिमेंबर दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आर देर ओशन में कैसे नेविगेट करना है इसका पहला स्कूल खोला प्रिंस हैंनरी ऑफ स्पॉटगर्ट ने और हेल्प क्रिएट मैप उन्होंने मैप बनाई कि कैसे नेविगेट करना है यूरोपियन कंट्रीज वन टू सर्च गोल्ड यूरोपियन कंट्रीज क्या ढूंढने जाती थी गोल्ड को उन्होंने मेज पोटैटो टोमैटो इस लिए इस एज को भी एज ऑफ एक्सप्लोरेशन कहते हैं मेज कैसे पोटैटो टोमेटो इनका भी एक्सप्लोर किया था ओके okay? इसीलिए इसे एज ऑफ एक्सप्लोरेशन कहते हैं द नेक्स्ट इज स्टेशनरी कंपनी होती थी स्टेशनर्स कंपनी बोलते थे उन्हें इट इज़ ए रिकॉर्ड बुक क्या होता था ये एक रिकॉर्ड बुक बहुत बार एग्जाम में आता है कि व्हाट इज स्टेशनर्स कंपनी इन एलिजाबेथन एज तो यू हैव टू रिमेंबर दिस इट इज़ ए रिकॉर्ड बुक पब्लिशर टू डॉक्यूमेंट द प्रोड्यूस इन इंग्लैंड जो भी डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस करते थे वो रजिस्टर करने के लिए एक स्टेशनर कंपनी बनाई थी टू ओवरसी ऑथर एंड प्रिंटर एंड प्रिंटर पब्लिशर राइट्स उनके प्रिंटर पब्लिशर राइट्स के लिए यह बनाई गई थी ओके अब ये आपको आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए 1395 में जो पॉपुलर बाइबल का ट्रांसलेशन हुआ था वो हमें बहुत बार पूछा जाता है तो आपको भी ये याद रखना है कब हुआ था प्रिंटेड कब हुई थी और उसका ट्रांसलेशन किसने किया था ओके तो 1395 नाइन्टी बाइबल रिटर्न बाय बिल गेट ओकेर बाइबल जो थी गुटनबर्ग बाइबल फिफ्टीन ट्वेंटी फाइव टेंडेल की आई थी न्यू टेस्टाम हमने पिछले वीडियोस में इन सभी के बारे में बात करी थी टेंडेल ने जो लिखी थी फिफ्टीन थर्टी फाइव कोवरडेल कंप्लीट बाइबल इन्होंने लिखी थी फिफ्टीन फिफ्टी सेवन जेनेवा बाइबल वर्ड्स डिवीजन में लिखी गई है ये सिक्सटीन टूल टू सिक्सटीन जेम्स ने भी बाइबल लिखी है हमने ये बात पहले हम अपने लास्ट वीडियो में कर चुके हैं तो मेरी वीडियोस लाइन बाय लाइन फॉलो कीजिए तभी आपको समझ में आएगा कि इंग्लिश का डेवलपमेंट इंग्लैंड में कैसे हुआ ओके नाइनटीन फिफ्टी टू रिवाइज एडिशन ऑफ बाइबल रिवाइज एडिशन आया था बाइबल का और टू थाउजेंड फोर में हॉलमार्क बाइबल आई थी ये आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए ये सारी चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी ओके okay? और आप मेरे पहले के वीडियोस देखेंगे तो आपको ये अपने आप ही याद हो जाएगी क्योंकि हमने इनके बारे में डिटेल में बात करी है अब हम आ, कल एडमर स्पेंसर स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पोएट ऑफ एलिजाबेथन एज आज हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर्स द शेफर्ड कैलेंडर वाज रिटन बाय द शेफर्ड कैलेंडर वाज रिटन बाय स्पेंसर कल हम ये बात करेंगे ये फर्स्ट पोएट है एलिजाबेथन एज के नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्टी सिक्स इज स्पेंसर सेट्रिकल पोएम सेटायरिकल पोएम इज़

कितनी लाइन होती है स्पेंसरियन स्टांजा में हम आगे बात करेंगे शेक्सपियन स्टांजा में कितनी होती है अब भी हम बात कर रहे हैं स्पेंसेरियन स्टांजा में कितनी बात, कितनी लाइन्स होती है आंसर इज नाइन लाइन्स ये नाइन लाइन्स का लिखते थे ओके थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो आप लाइन बाई लाइन मेरे वीडियोज देखिए तभी आपको ये समझ में आएगा और याद भी होगा अगर आप ऐसे स्किप करके देखेंगे तो आपको याद नहीं होगा इसलिए मेरी पिछली वीडियोस भी जरूर देखें थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिले अभी बहुत सारी वीडियोस आने वाली है क्योंकि जो हमारा इंग्लिश लिटरेचर का सिलेबस है बहुत ज़्यादा वास्ट है अराउंड थाउजेंड आई थिंक बनेगी वीडियोस तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे और मैं यूं ही इस डगर पर चलती रहूँ थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो